ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो केवल कहने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं, जैसे एक माता जी बहुत ही निश्चय बुद्धि सेवाधारी, एक दिन उनको बुखार हो गया और साथ में वहां सूरज भाई का बट्टी भी थी, बहन जी ने कहा आ जाओ जल्दी जल्दी, कुछ सेवा भी करिएगा और क्लास में अटेंड कीजिएगा। नहीं, आज तो मुझे बहुत तेज बुखार, रियली में उसको बुखार था, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, हेडक बहुत है, चक्कर आ रहे हैं। बहन जी ने कहा कुछ गोली वोली लेके आ जाइए ना, ये मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। नहीं बहन जी, बहुत ज़्यादा बुखार है, और नो डाउट उसको था। लेकिन देखिए, आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम भगवान से कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो माता घर में अकेली थी, उसके दो छोटे छोटे बच्चे स्कूल गए हुए थे। दो तीन घंटे के बाद वो बच्चे आते हैं और मम्मी से कहते हैं, मम्मी हम सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गए थे, हमको भूख लगी, हमें अब खाना दो। बहुत सारी माताएं बैठी हैं मेजोरिटी। अब फिर से प्रैक्टिकल पे आते हैं, अब बताइए आप क्या करेंगे? बुखार है आपको, चक्कर आ रहे हैं, सिर में बहुत तेज दर्द है, क्या करेंगे फिर आप? बना लेंगी ना। जब मेरा सामने था तो मैंने दर्द से, चक्कर से, बुखार से क्या कर लिया? कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन जब बाबा सामने आया था तब क्या किया था बताइए? जब बाबा की बात सामने आई तब मैंने क्या किया था? एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज लगाए थे, बहाने पर। लेकिन जब मेरे सामने आए तो मैंने हेडक, बुखार, सिरदर्द, चक्कर से क्या कर लिया? कॉम्प्रोमाइज। में खड़ी हो गई, मैंने पैरासिटामोल ली, चाहे सिर पे पट्टी बांधी, चाहे मैंने मैगी क्यों ना बनाई, पर बच्चे को भूखा। अगर ये होते हैं मेरे, तो अब यहां देखेंगे बाबा को मैंने मेरे की लिस्ट में शामिल किया कि नहीं। काश हिम्मत का एक कदम में बाबा के लिए उठा लेती तो वो वैद्यों का वैद्य बिना मेडिसिन का आपका बुखार ना उतार देता तो फिर कहना था। लेकिन बात क्या है, हमारा वो हिम्मत का कदम एक ही नहीं उठ पाता है, और वो हिम्मत का कदम जब तक नहीं उठेगा तब तक हम उसके मदद के चमत्कार अनुभव नहीं कर सकते। कंडीशन यही है कि तुम एक कदम तो उठाइए, कम से कम सिर्फ हिम्मत करके एक कदम उठाइए, बाकी मुझ पे छोड़ दो, बाकी मैं हूं ना फिर संभालने के लिए। तुम्हारा एक कदम और फिर हजार मदद के कदम, और बस इसी में हम चूक कर जाते हैं कि पहला ही कदम उठा नहीं पाते और सुंदर से सुंदर मदद के चमत्कारों से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि जब भगवान मदद करते हैं ना तो वो चमत्कार ही बनते हैं। अनुभव हर एक के लिए क्या होता है? चमत्कार होता है। तो हिम्मत का पहला कदम तुम्हारा है और फिर मदद देखिए कैसे मिलती है उसकी, मिलती है कि नहीं।